हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिनेश सराय टी। मध्य प्रदेश की एक और 200 नई भर्ती आ चुकी है। आपकी जो भर्ती है वो रहने वाली है आयुष विभाग में। दोस्तों यहाँ पर निकाली गई है 18 जुलाई को। दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आपकी जो भर्ती रहेगी संविदा के आधार पर भर्ती होनी है। चयन होगा आपका इंटरव्यू के आधार पर। आप लोगों को 5 अगस्त तक दोस्तों यहाँ पे आवेदन यहाँ पर जमा कर देना। चलिए हम देख लेते हैं कहाँ से करना है डाउनलोड, क्या इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। आप लोगों से दोस्तों मेरा एक निवेदन रहता है, चैनल पे आप लोग नए हैं चैनल को लें सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक, ताकि मध्य प्रदेश की इन्फॉर्मेशन या भर्ती की जानकारी आपको तुरंत यहाँ से मिल सके। चलिए चलते हैं पोर्ट। देखिए दोस्तों, आप लोगों को जाना गूगल पर, यहाँ पे लिखना आयुष, ठीक है, .gov.in, ठीक है, और आप करोगे यहाँ पर सर्च। जैसे ही आप लोग सर्च करोगे आप सामने आ जाएगी यहाँ पर दोस्तों फर्स्ट लिंक, ठीक है, यहाँ पर आएगी फर्स्ट लिंक की। दोस्तों ये आ चुकी फर्स्ट लिंक, इस पे करना है क्लिक एमपी आयु, ठीक है। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे इसका जो होम पेज है दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर हो जाएगा ओपन। देखिए दोस्तों ये हो चुका हमारे सामने यहाँ पर होम पेज ओपन। आपको करना स्क्रॉल, जैसे ही आप लोग करोगे दोस्तों स्क्रॉल आपको यहाँ पर दिख जाएगा अबाउट न्यूज, ठीक है। यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे इसके जो नोटिफिकेशन है, पहला दोस्तों ये रहेगा, दूसरा ये रहेगा, ठीक है, इसी के एक ही नोटिफिकेशन है, अलग अलग रूल्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो चलिए हमने कर ली दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड। देखिए दोस्तों ये रहेगा मध्य प्रदेश शासन आयुष विभाग राष्ट्रीय आयुष मिशन, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों की भर्ती होनी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो रहेगी दोस्तों भर्ती वो रहेगी आप लोगों की थी कहाँ कहाँ होनी है। तो पहली दोस्तों रहेगी आपकी जो पद रहेगा संविदा कार्यक्रम अधिकारी ओब्लिक कंसल्टेंट, ठीक है ना, आयुर्वेद या होम्योपैथिक। दूसरा रहेगा संविदा वित्त प्रबंधक का पद रहेगा 224-25 के लिए यहाँ पर, ठीक है। इसके पश्चात यहाँ पर आओगे, इसके नियम है देख लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पर इसके जो नियम है दोस्तों वो यहाँ पे दिए हुए, मतलब आप लोग जो रहेगी दोस्तों 1 वर्ष के लिए आपको यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यदि बजट होता है तो बाद में दोस्तों यहाँ पर वृद्धि भी कर दी जाएगी, ठीक है, मैंने बता दिया कि वृद्धि यहाँ पर कर दी जाएगी। और मध्य प्रदेश के दोस्तों आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं उनके लिए दोस्तों यहाँ पर ये रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आओगे तो देखिए ये रहेंगी योग्यताएं, मतलब जो आपका पद रहेगा कौन सा वाला पद रहेगा, संविदा कार्यक्रम अधिकारी कंसल्टेंट, ठीक है ना, आयुर्वेद ऑब्लिक होम्योपैथी, जिसमें दोस्तों मिनिमम बैचलर डिग्री होती है आपका BAMS या BHMS में आप लोगों ने किया हो, और 3 साल का दोस्तों वर्किंग एक्सपीरियंस भी आपके पास यहाँ पे मांगा हुआ है। इसके पश्चात दोस्तों यहाँ पर आओगे तो देखिए जो रहेगा आपका वित्त प्रबंधक का पद, ठीक है, इसके लिए क्या मांगा हुआ है, तो MBA फाइनेंस में या MCOM हो या CA हो या ICW हो, तो आप लोग दोस्तों इसमें आवेदन कर सकते हैं। 3 साल का दोस्तों एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा हुआ है संबंधित क्षेत्र में। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं एज की। देखिए जो मिनिमम रहेगी 21 और मैक्सिमम 60 रखी गई यहाँ पे एज, ठीक है, और आपकी जो 10वीं के अनुसार आपको यहाँ पे मान्य की जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते चयन, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चयन आपका होगा वो होगा इंटरव्यू के आधार पर, आपका साक्षात्कार यहाँ पर लिया जाएगा, और कुल विज्ञप्ति पदों का 10 गुने से जो रहेंगे उन आवेदकों का यहाँ पर बुलाया जाएगा साक्षात्कार में, ठीक है, 10 गुना आवेदकों के लिए यहाँ बुलाया जाएगा। अब दोस्तों इसमें फिर होगी मेरिट जारी, तो जिस अभ्यर्थी की उम्र ज्यादा होगी वह मेरिट के में दूसरे अभ्यर्थी से ऊपर माना जाएगा, ठीक है, उम्र के अनुसार। समान उम्र होने पर जिस अभ्यर्थी का कार्य अनुभव ज्यादा होगा उसको प्राथमिकता दी जाएगी, और समान कार्यभाग होने पर जिस अभ्यर्थी के स्नातक में ज्यादा अंक होंगे उसको यहाँ पर मेरिट में ऊपर यहाँ पर रखा जाएगा, ठीक है। तो 3 उन्होंने कंडीशन यहाँ पर बता दी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आपके पास इसके पश्चात आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर जो सही होंगे वो यहाँ पर मान्य यहाँ पर किए जाएंगे। 1 वर्ष के लिए आपका ये रहने वाला है। मानदेय के संबंध में आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत यहाँ पर मानदेय रहेगा वो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रहेगा। अब हम देख लेते हैं इसी के आधार पर नेक्स्ट का नोटिफिकेशन, ये रहेगा इसी का नोटिफिकेशन जिसमें योग्यता की बात दी हुई है, जिसमें 18 तारीख को यहाँ पे ये जारी हुआ था, 18 जुलाई को, ठीक है, यहाँ पर, और ये 5 अगस्त तक इसकी लाइडेट रहने वाली, मतलब 5 तक करना है। सैलरी की हम बात कर लेते हैं। देखिए जो आपका पद रहेगा संविदा कार्यक्रम अधिकारी, जिसमें एक पोस्ट है, सैलरी 56,600 से आपकी दोस्तों प्रारंभ होती है। दूसरी संविदा कार्यक्रम कंसल्टेंट होम्योपैथी, जिसमें एक पोस्ट है, इसकी भी 56,600 प्रारंभ होती है। और नेक्स्ट रहेगी संविदा वित्त प्रबंधक, इसकी होती है आपकी एक पोस्ट है, 42,700 से आपकी सैलरी प्रारंभ होती है, ठीक है, मैंने आपको क्वालिफिकेशन पहले बता दी, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर भी जो आपको कहाँ भेजना, देखिए दोस्तों इनका जो दिख रहा है आपको एड्रेस आयुक्त, देखिए यहाँ पे लिखा है आयुक्त मिशन संचालक राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष भूतल डी बिग हथपड़ा भोपाल भवन, ठीक है, यहाँ पे इस एड्रेस पे दोस्तों आप लोगों को, ठीक है, भेज देना है यहाँ पर, ठीक है, पूरा एड्रेस है, इसी एड्रेस पे आप लोगों को ये भेजना पड़ेगा, ठीक है, और जिसमें आप लोगों के समस्त डॉक्यूमेंट, ठीक है, दस्तावेज सभी आपके लगे होने चाहिए, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर बता दिया।
और आपको लिफाफे के ऊपर स्वयं का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको लिखना पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे ओरिज में बता दिया आप लोगों के लिए, आप इनकी पोर्टल जाके यहाँ पे कर सकते हैं डाउनलोड, ठीक है। तो दोस्तों ये रहेगा फॉर्मेट इसका, दोस्तों ये रहेगा फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट आपको बनना पड़ेगा, और बाकी जो मैंने बताया आपको एड्रेस, उस एड्रेस दोस्तों आपको यहाँ पे भेज देना है। तो दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन थी, यदि आपके पास संबंधित क्वालिफिकेशन है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। ओके दोस्तों, थैंक्स।